आज हम सीखेंगे स और ज वृत्त का प्रयोग। तो स और ज वृत्त तो एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले हम स की बात करते हैं, तो स है वो छोटा सा वृत्त होता है, छोटा सा वृत्त बिल्कुल ऐसा। उसको हम अगर किसी अक्षर के आगे लगा देते हैं तो वो स पढ़ा जाएगा, और अंत में लगा देते हैं तो स अंत में पढ़ा जाएगा। तो हम इसका सबसे पहले क वृत्त के साथ प्रयोग देखते हैं। तो जैसे पहला है स और क, सक। इसमें हमने सबसे पहले स के साथ क जोड़ दिया तो ये हो गया स और क। अगला है स और ख, तो पहले स का वृत्त बनाएंगे फिर इसमें हम ख कर देंगे। फिर अगला है स और ग, तो सबसे पहले हम स बनाएंगे फिर हम ग बनाएंगे तो ये बढ़ा जाएगा स और ग। फिर स घ, तो हम स बनाएंगे फिर इसके अंत में ग जोड़ देंगे तो इस प्रकार ये पड़ जाएगा सग। अगला है, तो अब इसका हम अंत में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा क स। तो सबसे पहले हम क लिखेंगे फिर हम इसके साथ स लिख देंगे तो ये पड़ा जाएगा क स। अगला है ख स, तो सबसे पहले हम ख लिखेंगे फिर स लिखेंगे तो ये पड़ा जाएगा ख स। अगला है ग और स, तो ग के साथ अंत में हम स जोड़ देंगे तो ये पड़ा जाएगा ग स। और फिर आएगा घ स, तो घ लिख कर हम अंत में स लिख देंगे तो ये पड़ा जाएगा घस। अगर इसको हम हमेशा ऊपर ही लगाएंगे वृत्त को, अगर हम इसे इस प्रकार नीचे की तरफ लगा देंगे तो इसमें र भी जुड़ जाएगा, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि सभी की ये ऊपर की तरफ आएगा, चाहे आगे की तरफ लगाएं या फिर हम अंत में लगाएं, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, अगर हम इसे नीचे की ओर लगाएंगे तो इसमें र भी जुड़ जाएगा। फिर हम इसका प ट च त वर्ग और स के साथ प्रयोग सीखते हैं। तो शुरू में जैसे हम पहले स लिख देंगे, छोटा सा वृत्त लगा देंगे और इसके साथ प जोड़ देंगे तो ये पढ़ा जाएगा स प, ये पढ़ा जाएगा सब, तो ये हो गया सब। फिर अगला शब्द है स और इसके साथ हम ट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सट। फिर अगला स के साथ च जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सच। फिर अगला स के साथ त जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सत। और फिर स के साथ स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सस। और फिर स के साथ, हाँ, ये दोनों जो स है ये हम स्टेनो में अलग अलग प्रयोग नहीं करते हैं, तीनों स को हम एक ही अक्षर से लिखते हैं। ये सिर्फ बुक में दिया हुआ है इसलिए हमने समझाने के लिए लिख दिया, बल्कि स्टेनो में हम सुविधा के लिए इस स का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसमें पढ़ने में ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए स को हम एक चिन्ह से लिखते हैं, वो इस स को बस, आपको कट वाले स का प्रयोग नहीं करना है। फिर इन वर्ग का हम अंत में प्रयोग देखेंगे स के साथ। तो प लिखने के बाद अंत में छोटा सा वृत्त लगा देने से इसमें स हो जाएगा तो ये हो गया पस। फिर हो जाएगा ट और स। फिर च के साथ स कर देंगे चस। फिर त के छोटा सा नीचे वृत्त लगा देंगे तो बढ़ा जाएगा त स। और इसी प्रकार स के नीचे छोटा सा स का वृत्त लगा देंगे हो जाएगा सस, और उसी प्रकार वो भी सस ही बढ़ा जाएगा। अगला हमारा प्रयोग देखेंगे ये रे ले वे है के साथ। तो इनके शुरू में प्रयोग देखते हैं हम, तो जो ये है उसके अंदर हम अगर छोटा सा वृत्त लगा देंगे तो वो स यही पढ़ा जाएगा, जैसे स ये इसके हमने ये अंदर लगा दिया है। अगला है स और र, स र, इसमें स के साथ हमने र जोड़ दिया, और स और ल छोटा सा स लगा कर और उसे ऊपर की तरफ ल लगा दिया। फिर आ गया स व के अंदर लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा स व, पहले स पढ़ा जाएगा फिर वह पढ़ा जाएगा। फिर स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तब भी इसमें है जुड़ जाता है, क्योंकि स और है एक जैसा ही होता है, तो इसलिए हमने स को थोड़ा सा है को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो इसमें स भी जुड़ गया तो ये सह हो जाएगा। और इसका अंत में प्रयोग होगा यह के साथ हमने लास्ट में अगर छोटा सा वृत्त लगा दिया तो ये यह स हो गया, और र के साथ स लगा दिया तो ये र स हो गया, ल के साथ ये कर दिया तो ये ल स हो गया, व के साथ ये कर दिया तो ये वह स हो गया, है के साथ ये कर दिया तो है स हो गया। और ऊपर वाले में मैं एक बात और बता दें, प ट च त वर्ग,
और सह व्रत के ऊपर सात प्रयोग। तो ये जो सह प के साथ सह लगा ये हमेशा ही राइट साइड में रहेगा, चाहे अंत में लगाएं चाहे शुरू में लगाएं। जैसे सह प तो इसमें सह इस साइड रहा है, या फिर हम सह ट लिख देंगे तब भी ये इस साइड रहा है। अगर हम इसका अंत में प्रयोग में देखेंगे तो प स तब भी ये इस साइड में रहा है, और इसमें हम ट स कर देंगे तो भी ये इस साइड में रहेगा। मतलब इसको हमें राइट साइड में ही रखना है, अगर हम इसे दूसरी दिशा में लगा देंगे तो इसमें र भी जुड़ जाएगा। तो अगला हमारा सीखेंगे मैंने के साथ प्रयोग। तो मैंने के साथ शुरू में प्रयोग, तो शुरू में प्रयोग हम पहले छोटा सा स के साथ मैं लगा देंगे तो ये हो जाएगा सम, और सन करना होगा तो स लगा के न लिख देंगे तो ये हो जाएगा सन, और अंत में प्रयोग तो मैं के साथ छोटा सा वेत लगा देंगे तो ये हो जाएगा मस, और न के साथ छोटा सा वेत लगा देंगे तो ये हो जाएगा नस। अब इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं नोट। सह वृत्त का प्रयोग सभी वक्र रेखाओं जैसे मैं न त थ ड द स श श ल के अंदर किया जाता है, मतलब इनका जो वृत्त होता है इनकी रेखाओं के अंदर किया जाता है। जैसे कि ये न है तो इसके साथ सह करना है तो हमें इसके अंदर की तरफ लगाना है, और ये मैं है इसका हमें प्रयोग करना है तो इसके अंदर की तरफ लगाना है, शुरू में लगाना है तो ये मैं सह हो गया। तो मतलब जो सह का वृत्त है वो इन वक्र रेखाओं वाले अक्षरों के हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। फिर अगला हमारा है दो समान सरल रेखाओं के बीच सह वृत्त का प्रयोग। यदि सह दो एक समान सरल रेखाओं के बीच आए तो सह वृत्त उसी जगह पर लगता है। जैसे हमारा शब्द है क स क, तो इसमें हम क लिख देंगे फिर छोटा सा सह लगा देंगे और फिर इसमें वापस क कर देंगे तो ये हो जाएगा कसक। इसी प्रकार प स प, इसी प्रकार ट स ट, इसी प्रकार च स च, इसी प्रकार ज स ज, इसी प्रकार ट स ड, और इसी प्रकार प स भ, और इसी प्रकार ट स ढ, ये इसी प्रकार लिखे जाएंगे। अगला है दो असमान सरल रेखाओं के बीच सह वृत्त का प्रयोग। तो यदि सह दो असमान सरल रेखाओं के बीच आए तो सह वृत्त बाहर की तरफ लगाना चाहिए, ये नियम है। जैसे क के साथ अगर प क के साथ हमने सह लगाया और प लगाया तो ये बाहर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। फिर आएगा च स प, इस प्रकार हो जाएगा ट स र, इस प्रकार हो जाएगा ज स ब, इस प्रकार होएगा प स र, इस प्रकार होगा ग स ज, इस प्रकार होगा। फिर अगला है सह वृत्त का दो समान वक्र रेखाओं के साथ प्रयोग। तो इसमें सबसे पहला है मैं स मैं, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा मैं स मैं। अगला है न स न, तो इस प्रकार लिख देंगे। त स त आएगा तो इस प्रकार लिख देंगे। द स त आएगा तो इस प्रकार लिख देंगे। ल स ल आएगा तो इस प्रकार लिख देंगे, और थ स द आया तो इस प्रकार लिख देंगे, और थ स ध आया तो इस प्रकार लिख देंगे। फिर अगला हमारा प्रयोग है सह वृत्त का दो असमान वक्र रेखाओं के बीच प्रयोग। तो असमान वक्र रेखाओं के बीच हम प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहला था मैं स न, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले मैं के अंदर की तरफ से लगाएंगे और फिर न लिख देंगे। इसी प्रकार न स त, इसी प्रकार मैं स त, मैं स त, मैं स त में हमने पहले मैं लिखा फिर सैव का वृत्त फिर हमने इसके साथ तय कर दिया। फिर पढ़ेंगे हम ल स मैं लसम, फिर र स मैं रसम। फिर इसी प्रकार से अगले उदाहरण है द स मैं, द स मैं, न स ल और ल स त। इसके अंदर ऊपर वाले ऊपर से नीचे आने वाले ल का प्रयोग किया तो ये इस प्रकार है ल स और त, ये इस प्रकार लिखा गया है। फिर हम पढ़ेंगे सह वृत्त का सरल व वक्र रेखाओं के बीच प्रयोग। तो ठीक है, तो पहला है रसम, तो रसम रसम के हम इसमें मैं काम ने दूसरा मैं काम में लिए, पहले वाला रह भी ले सकते हैं। तो रसम लिखा जाएगा इस प्रकार, फिर कैसम लिखा जाएगा इस प्रकार, और भसम लिखा जाएगा इस प्रकार, और पस्त लिखा जाएगा इस प्रकार, तसक लिखा जाएगा इस प्रकार, और लसक लिखा जाएगा इस प्रकार। फिर हम देखेंगे आसन इस प्रकार लिखा जाएगा, जसन इस प्रकार, नसर इस प्रकार, टसल इस प्रकार लिखा जाएगा। नोट, सह वृत्त
दो वक्र रेखाओं या सरल व वक्र रेखा के बीच आने की स्थिति में सदैव वक्र रेखा के अंदर लगता है। तो ये हमने सीखा कि अगर कोई सामने सरल रेखा आ गई तो वृत्त हमेशा वक्र रेखा के अंदर ही लगेगा। जैसे सहवृत्त की मात्राएं, अब सहवृत्त की सभी मात्राएं अगले अक्षर के बाईं तरफ लगाएं। जैसे ये आपने मात्रा स्थानांतरण के नियम में पढ़ा होगा, अगर हम किसी भी मात्रा को अगले अक्षर के ऊपर की तरफ लिखेंगे तो उसके आगे वाले अक्षर के साथ पढ़ी जाएगी। तो जैसे हमारा पहला शब्द है किसान, तो किसान में हमने क के साथ ई की मात्रा तो लगा ही दी, तो ये की तो हो ही गया, और इसके साथ हमने स और न जोड़ दिया, तो स की तो हम मात्रा लगा नहीं सकती, तो हम न के ऊपर लगा देंगे आ की मात्रा, तो ये ऊपर न के ऊपर वाली आ की मात्रा स के साथ ही पढ़ी जाएगी, तो ये हो जाएगा किसान। फिर आया पसीना, तो पसीना, पसीना में हम सबसे पहले प लिखेंगे, फिर स, फिर न, तो अब हम स के साथ ई की मात्रा, ई की मात्रा हम स के तो लगा नहीं सकते, तो हम न के ऊपर लगाएंगे ई की मात्रा, और फिर ये पढ़ा जाएगा प सी न हो गया, फिर न के साथ भी हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा प सी ना। अब इसे हम पूरा लिखे, सबसे पहले हमने लिखा प, फिर स और न, तो स के तो ई की मात्रा लगा नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर लगा दी ई की मात्रा, तो ये आ गया प सी, और ये कर दिया आ की मात्रा, तो ये हो गया पसीना। अगला शब्द है तीसार, तो तीसार में हमने सबसे पहले ई की मात्रा लगाई और फिर स के साथ र जोड़ दिया, और र के ऊपर की तरफ हमने आ की मात्रा जोड़ दी, तो स के साथ पढ़ी जाएगी, तो ये हो जाएगा तीसार। अगला शब्द है शेष, तो शेष में हम सबसे पहले स का वृत्त लगाएंगे, स लगाएंगे, फिर ई की मात्रा लगा देंगे, हमने इसके आगे वाली साइड लगाई है, तो ये ऊपर वाले स के साथ पढ़ी जाएगी, तो ये हो जाएगा शेष। फिर अगला शब्द है शिवा, तो शिवा में हमने स है वो वह के अंदर लगाया है, इस प्रकार स और ये वह हो गया, इस प्रकार हमने स इसके अंदर की तरफ लगाया है, तो हमने इसके अंदर ई के मात्रा है वो वह के ऊपर लगाएंगे, तो वो स के साथ पड़ जाएगी, तो ऊपर लगा दी, और वाह की मात्रा हम जहाँ लगती है वहीं पर लगाएंगे, तो ये शिवा। अब अगला शब्द है हसीन, हसीन में हम सबसे पहले है स लिख दिया, फिर न के ऊपर की मात्रा लगाएंगे, तो ये न के साथ नहीं जुड़ेगी, है के साथ जुड़ेगी, तो ये हसीन ही पढ़ा जाएगा। अगला है नोट, तो इसमें अंत में स वृत्त के साथ केवल ई की मात्रा लगाएं, अन्य मात्राएं आने की स्थिति में स को पूरा लिखें। तो जैसे अगर हमें नाम लिखना है खुशी, तो स को अगर थोड़ा सा हम आगे की तरफ निकाल देंगे तो ये इसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी, जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं। फिर आएगा देसी, तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले ऐसा देश से लिख दिया, तो अगर हम इसे देसी मतलब ई की मात्रा जोड़नी है तो इसमें थोड़ा सा इसे आगे निकाल देंगे, तो आगे निकाल देने से इसमें ई की मात्रा जुड़ जाती है। जैसे ये मैं शे हो गया, अब इसके अंदर हमें ई की मात्रा जोड़नी है, थोड़ा सा आगे निकाल देंगे इसको, तो ये माँ सी पड़ जाएगा, इसके आगे माँ की मात्रा लगा देंगे। फिर अगला है रूसी, तो ये रस होता है, रस हो गया, थोड़ा सा आगे निकाल देंगे तो ये रस्सी, और इसके अंदर हम इसको लाइन से कट कर देंगे, और ये थोड़ा नियम होता है, और इसके ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ऊ हो जाएगा, लाइन से कट कर देंगे तो ये रूसी हो जाएगा। अब अगली मात्राएं, अन्य हम मात्राएं पढ़ेंगे, तो जैसे इसके साथ मात्रा कैसे लगती है, अन्य मात्राएं आ जाए तो हम इसे पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मात्राएं नहीं लगती, तो जैसे ये हमने पूरा लिखा है, और ये दशा पूरा लिखा है, शीशा पूरा लिखा है, भाषा इसको पूरा ही लिखा गया है, आशा, इस आशा के अंदर हमने वो सह काम में लिए, जरूरी नहीं है कि हमें यही सह काम में लेना है, हम वो सिंपल वाला सह भी काम में ले सकते हैं, जैसे ये। फिर अगला शब्द है निशा, तो इसको हम पूरा लिखेंगे, फिर अगला शब्द है कैसा, इसे भी पूरा लिखेंगे, ओस्त इसे भी पूरा लिखेंगे, आशंका इसे भी पूरा लिखेंगे, आसन इसे भी पूरा लिखेंगे, मतलब जहाँ पर ई और साधारण स के अलावा कोई भी मात्रा है तो उसे हम पूरा ही लिखना पड़ेगा। नोट, शब्द में स वृत्त आने पर पहले वाले अक्षर की मात्रा स्थानांतरित नहीं होती, जैसे किसान, तो किसान के अंदर ई की मात्रा वैसे ही है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, और जिसम शब्द के अंदर भी जो ज के साथ ई की मात्रा है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये जैसे लगती है वैसे ही लगेगी, तुषार में ही वैसे लगेगी, कुश्ती में क के साथ ऊ की मात्रा वैसे ही लगेगी,
मिस्ट में मैं के साथ ई की मात्रा भी उसी प्रकार लगेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। और निष्ट में भी न की मात्रा उसी प्रकार लगेगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगला वृत्त है जय का वृत्त। जय का वृत्त भी सह की वृत्त की तरह ही होता है। जैसे पहला शब्द है सह जय नारु, इसमें हम सह के साथ जय जो सह की तरह होता है, और फिर इसमें न के साथ आ की मात्रा लगा देंगे। फिर अगला शब्द है भजन, तो सबसे पहले भय, फिर जय का वृत्त जो सह की तरह होता है, और फिर न, तो ये हो जाएगा भजन। फिर धीरज, इसमें धय और र, और अंत में जय वृत्त का प्रयोग, और इसके ऊपर ई की मात्रा लगा देने से वह धय के साथ ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये पूरा ही धीरज हो जाएगा। अगला शब्द है सूरज, तो सूरज में हम स, र और अंत में जय वृत्त का प्रयोग, ऊपर की तरफ ऊ की मात्रा, तो ये पूरा ही सूरज पढ़ा जाएगा। अगला शब्द है क जय न, तो ये क फिर जय का वृत्त और ये न कथन, तो ये पूरा ही कथन पढ़ा जाएगा। मात्राओं का स्थानांतरण भी सह वृत्त की तरह ही होगा, अंत की मात्राओं में ई की मात्रा को छोड़कर शेष सभी मात्रा आने पर जय को पूरा लिखे। तो जैसे फौजी में लास्ट में जय के साथ ई की मात्रा आती है, तो फै लिख के इसके साथ अंत में जय लगाकर थोड़ा से इसे आगे की तरफ निकाल लेंगे, तो इसमें ई की मात्रा अपने आप जुड़ जाएगी। अगला शब्द है मोजी, तो मोजी में हम मै के साथ ओ की मात्रा तो लगाएंगे, और अंत में जय का वृत्त लगाकर उसे थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल देंगे, तो इसमें ई की मात्रा भी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा मोजी। और अगला शब्द है गर्जी, तो गर्जी में ग, र और जय लगाकर उसे थोड़ा सा आगे निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा गर्जी। फिर अन्य मात्राएं आएंगी, तो हमें इसे पूरा ही लिखना पड़ेगा, जैसे कर्जा, तो कह रहे जय पूरा लिखना पड़ेगा, जय फिर इसके साथ आ की मात्रा। दूजा नाम आ जाएगा, तो दू जा लिखेंगे, तो इसके अंदर जय के साथ आ की मात्रा, जय को पूरा लिखना पड़ेगा। और सह जा लिखेंगे, तो सह लिखकर जय को पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंदर आ की मात्रा आ गई। फिर मजाक, मजाक में हम इसे लिख सकते हैं, इसके साथ आ की मात्रा लगा सकते हैं मात्रा स्थानांतरण में इस प्रकार, तो मैं और इसके साथ जय का वृत्त और ये कह, तो इसके साथ आ की मात्रा अगर अगले अक्षर के ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो ये तो भी ये सह के साथ जोड़ी जा सकती है। इसी प्रकार हम लजीज के अंदर ल, जय और एक और जय का वृत्त लगा देंगे, अगर हम उस तो जी की जय के साथ ई की मात्रा उस दूसरे जय के साथ लगानी है, तो उसके अंत में ई की मात्रा लगा देने से यह लजीज ही पढ़ा जाएगा।